आरएसएस ने बीजेपी को मोदी सरकार की घटती लोकप्रियता के प्रति सचेत किया है। आरएसएस ने कहा कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी अब भी लोकप्रिय हैं, लेकिन उनकी सरकार के कार्यकाल से लोग बहुत खुश नहीं हैं। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं गोन्यू संवाददाता रमन ममगई। जल्दी 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, और इन राज्यों के चुनाव को लेकर हर पार्टी अपनी रणनीति बना रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बात चिंता का सबब बन सकती है। दरअसल उनकी मार्गदर्शक की भूमिका में रहने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कुछ ही दिनों पहले मथुरा में 3 दिवसीय एक बैठक हुई थी। वहाँ पर अलग अलग जगह से जो संघ के प्रचारक आए थे, उन्होंने अपना अपना फीडबैक दिया। जनता के बीच वो जाकर काम करते हैं, जनता से मिलते जुलते हैं। तो अगर सूत्रों की माने तो आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी को ये फीडबैक दिया है कि जो नोटबंदी के वजह से और जो इकोनॉमिक जो स्लो डाउन है उसकी वजह से और किसानों की स्थिति के कारण जो कि अच्छी नहीं है, लोगों में नाराजगी पनप रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, रोजगार की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और इसका असर आने वाले चुनावों में पड़ सकता है। यानी जो मार्गदर्शक की भूमिका में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन हमेशा रहता है, उसने सीधा सीधा सलाह दी है भारतीय जनता पार्टी को कि इन चीज़ों से होने वाले नुकसानों से वो बचे और कोशिश करें कि जल्द से जल्द इन सब चीज़ों पर काबू पाया जा सके ताकि आगे नुकसान ना हो। विपिन के साथ रमन अमगाई, गो न्यूज़, दिल्ली।